बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। मुझे रात का हल्का सा फीवर हुआ है, तो आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला शफा दे। आप यहाँ पर चेंजिंग देख रहे होंगे, यहाँ पर सारे जो पौधे थे वो सारे यहाँ से उठा के उस तरफ रख दिए हैं। मैंने शॉट भी लगाया था जो भाई ने बनाया था, उसके अंदर भी बताया था कि यहाँ से क्यों नहीं मूव किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा दूसरा शेड बनने लगा जहाँ पे आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज उसका काम होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वकास भाई जिन्होंने ये शेड लगाना था उनके वाला साहब इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे, उनका दर्जात बुलंद करे और उन सबको सब्र सब्र जमील दे। तो इंशाल्लाह ताला वो जैसे ही वापस अपने काम में आएंगे तो फिर ये काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। आए अपने जानवरों की तरफ बढ़ते हैं। कल जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, हमारी फीमेल रैबिट ने 6 जो बच्चे दिए थे वो 6 के 6 इन मुर्गियों ने और टर्कियों ने मार दिए। कल जब ये काम हम करवा रहे थे, कर रहे थे बल्कि खुद ही ये सारी दीवार बना रहे थे ताकि ये मट्टी वगैरह बाहर ना आए, वहाँ से ईंटें सारी उठाई हैं, तो ये काम कर रहे थे। काम करने के दौरान ही ना फीमेल रैबिट ने एक और बच्चा जो उनसे वो दिया, और वो बिल्कुल जिस दिन मुर्गियाँ ना नीचे यहाँ पे दिया, अभी उसने बच्चा दिया ही है और ये मुर्गी ने उठा के उसी वक्त उसको मार दिया। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये एक बच्चा जो उनसे ये जिसने 6 दिए थे उसी ने इतनी देर बाद 7वां बच्चा दिया था, या दूसरी फीमेल रैपर ने एक बच्चा दिया। कल फिर इन सबको हमने यहाँ फीमेल्स को, सिर्फ फीमेल रैपर्स को इस केज के अंदर बंद कर दिया था जब तक कि वो सेपरेट ना हो जाए, वहाँ पे बन ना जाए इनके लिए, टर्कियों के लिए और मुर्गियों के लिए। तब तक तो मजबूरी है कि हमने इनको इस सेटअप के अंदर रखना है। तो कल सारी रात फिर इनको इधर रखे हमने, दोनों फीमेल रैबिट्स को, लेकिन सारी रात उन्होंने दोबारा ब्रीड नहीं किया, बच्चा शच्चे नहीं दिए। अब ये कन्फ्यूज़न है कि या वो 7वां बच्चा जो आया था वो उसी पहली फीमेल रैबिट जिसने 6 दिए थे उसने 7वां दिया इतना लेट, या फिर जो दूसरी फीमेल रैबिट है उसने एक बच्चा दिया। वैसे एक बच्चा नॉर्मली वो देती नहीं है, ना ऐसे भी कभी हुआ है कि वो 6 दे दे और एक 7वां इतनी लेट दे। ये इसकी भी टांग मुझे लग रहा है कि ज़ख्मी है हमारी, ये मेल रैबिट की, ये इस तरह वाला पाँव आप गौर कीजिएगा, ये उस तरह से नीचे नहीं लगा रहा, ये देखें, क्योंकि ये टर्की जो उनसे है ना, ये ना देखते हैं कि इनके पैर के नीचे क्या आ रहा है ना कुछ, और ये हमला करते हैं। ये हमारा बेबी पिजन माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है माशाल्लाह, और इसको फीड करवा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से ये वहाँ पे बैठी हुई है इसने कहीं वहाँ पे अंडा तो नहीं दे दिया, ये अंडा देने के लिए तो नहीं बैठी। लेकिन ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं दाना पानी शानी डाल रहा था तो ये इसको फीड करवा रहे थे। इसको देखता हूँ इसके नीचे कि इसने अंडा तो नहीं दिया, नहीं अभी नहीं दिया, लेकिन मेरे ख्याल से ये अंडा देने वाली है। ये जिस तरह से बैठी हुई है ना इस जगह पर आके, मुझे लग रहा है कि ये अंडा देने वाली है। लेट्स होप सो, देखते हैं। बाकी है कि ये बच्चा माशाल्लाह फीड करवा रहे हैं माँ बाप दोनों और पाल रहे हैं। एक तोती की कबूतरी की तरह, अच्छा वो उधर बैठी है, मैं परेशान, ये यहीं पे बैठी रहती है अकेली। इसका जो मेल है वो ये बैठा हुआ है, ये दूसरा नंबर पे। ये फीमेल जो है ये अब उस मेल ऊपर वाले के साथ अटैच हो रही है। आज इनको ओपन नहीं किया, भाई ने किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अभी आगे इनको ये दूसरी खुराक दी है, थोड़े थोड़े करके इसलिए डाल दें ताकि ज़ाया ना करें, वैसे फिर ये ज़ाया कर देते हैं। अभी पास हैं तो इसलिए इनको खोला हुआ है, जाते वक्त फिर इनको ये है कि बंद कर देंगे फीमेल्स को, ताकि अगर दोबारा ये बच्चे शच्चे दें तो मसला ना हो। वैसे वो भी जगह इन्होंने बनाई है, उसको भी मैंने इस तरह से बंद किया कि वहाँ पे मुर्गी ना जा सके, रैबिट इजीली चले जाते हैं वहाँ पे। ये समझ में नहीं आया कि इस दफ़ा ये, हालांकि जिस फीमेल रैबिट ने बच्चे दिए हैं उसने पहले 2 दफ़ा इन मटकों के अंदर बच्चे दिए हैं। कल फिर इनकी भी सफाई की है, अंदर से सारी मट्टी निकाल के वो चेंज की है, शायद क्योंकि यहाँ पर पहले 2 दफ़ा वो दे चुकी हुई थी इसलिए इसने नहीं दिए यहाँ पर, तो इसलिए भी ये भी सारा चेंज किया हमने ताकि इसके अंदर भी जो गंद शंद है या स्मेल स्मेल है वो ख़त्म हो जाए।
ये फीमेल लेपर्ड देखें इधर आके बैठी हुई है मटके के पास। अल्लाह करे कि अब इस दफ़ा ये वाली मिस्टेक ना हो और हमारे बेबी लेपर्ड जो हैं वो सेफ रहें। इनको हमने कल इधर कर दिया था बंद, क्योंकि वहाँ पे फीमेल लेपर्ड्स को इसलिए किया था कि नीचे से रास्ता हमने बंद कर दिया था कि अगर बच्चा नीचे चला भी जाए तो उनको मुर्गियाँ ना नुकसान पहुँचा सकें, क्योंकि इसका फासला काफ़ी था तो यहाँ पे वो मुर्गियाँ नीचे चली जाती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आज मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं है इसलिए लंबी वीडियो नहीं बना रहा, मुख्तसर सी वीडियो, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना था कि एक तो केज क्यों हमारा वो वाला सेटअप क्यों लेट हो रहा है, और दूसरा जो कल इंसिडेंस हुआ था उसके बारे में आपको डिटेल देनी थी। वैसे कल भी बताई थी मैंने, लेकिन उसके बाद जो एक और बेबी आया था उसकी डिटेल भी आपको बता दी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिन दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। आपकी मोहब्बत और चाहत की वजह से बीमार होकर भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आते हैं, कि आप लोगों को इंतज़ार होता है हमारी वीडियो का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला आप सबके जानो माल में बरकत डाले। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल आपसे एक नई वीडियो में एक नई सुबह के साथ। अल्लाह हाफिज़।